This conference will now be. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. इसके जो पहले हिस्से का मफहूम है वो ये है कि ऐ लोगों जो अल्लाह पर ईमान लाए हो और अल्लाह से डरते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। और अल्लाह ताला ने इसके लिए हमें दो इनामात जो है उसका कहा है। एक तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे कामों की इसलाह फरमा दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। और ये मेरी ज़िंदगी का अपना तजुर्बा है कि आप जब सीधी बात करते हैं तो लोग आपके ऊपर एतमाद करना शुरू कर देते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, और अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में बढ़ोतरी होती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये कुफार भी इस बात के ऊपर अमल करते हैं। तो ये जरा हमारे रब का हमारे साथ एक वादा है। और जुम्मे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ की तिलावत किया करो, ये दिल में नूर पैदा करती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अच्छे काम करें और अल्लाह ताला हमें उसकी हिम्मत दे। Write down the call number. Books in the library are organized by call. Books in the library. अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है उसके लिए एक लाइब्रेरी को हमें थोड़ा सा विजिट करना है कि एक लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। फिर मैं आपको टेक्स्ट की तरफ लेकर चलता हूँ और थोड़ी सी मैं आपके साथ अपनी हिस्ट्री डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। राइट डाउन सुनिए वाले बुक्स इन द लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉल नंबर एंड आर ग्रुप्ड टुगेदर बाय सब्जेक्ट एरिया. To find the right area in the library, look at the first three numbers in the call number. Our call number begins with 337. Read the numbers on each shelf from left to right. Like a page from a book, the numbers increase as you read across the shelf. Now that you have located the books marked 337, you'll need to look at the numbers after the dot or decimal point. In our case, 405. The numbers after the decimal point in a call number are read individually, not as a whole number. That means you read the number as 405, not 405. So to find 337.405, look between 337.4 and 337.41. Now that you've got the right number, look for the letter after the number. These are in alphabetical order. You then read the following numbers individually. Got it. जी, अभी मैंने आपको एक हल्का सा एक क्लिप दिखाया जिसमें एक लाइब्रेरी को विजिट किया जा रहा था। अब जरा हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने बात की कि हमारा जो निज़ाम है वो सिस्टम के अंदर हमारी कुछ स्टेजेस है। वो स्टेज क्या है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान में एक इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, दिस इज दी हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी इन पाकिस्तान। और एक हमारा साल है, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने एक साल के बाद टैक्स देना है डिपार्टमेंट को। तो हमारा पाकिस्तान में जो साल है वो नॉर्मली 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। उसके बाद आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्म होता है जिसको रिटर्न कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आप फाइल करते हैं, जमा करवाते हैं।
और ये सारा प्रोसेस चलता है। अब ये सारी बातें जो है, जाहरी बात है ये कहीं ना कहीं तो लिखी होंगी ना, उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स लॉस। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि इनकम टैक्स लॉस क्या है। अब मैं जरा आपको बताता हूं कि जब मैं सीए कर रहा था तो लाहौर में जो लाहौर के अंदर जो है मैं एक लाइब्रेरी है जिना लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में जब मैं जाता था तो शुरू में मुझे आइडिया नहीं था कि लाइब्रेरी क्या होती है इसकी कल्चर। मुझे यही पता था कि लाइब्रेरी है जिसमें बेहंगम किताबें पड़ी होती हैं, जिस मर्जी किताब में जाए और आप ये काम करें। लेकिन वहां जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि लाइब्रेरी एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर के वहां पर सेक्शन थे, एक उसमें लाइफ साइंसेस का था। अब पता नहीं वहां पर क्या सिचुएशन है, एक उसमें सेक्शन था इकोनॉमिक्स का, एक बायो का, इस तरह मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे सेक्शन मौजूद थे। यानी ऊपर क्या है, मेन लाइब्रेरी, मेन क्या है, ये सारी चीजें लाइब्रेरी में पड़ी हुई, और वहां पर लाइब्रेरी के अंदर उसके सेक्शन हैं। अच्छा, इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर अब मुझे जाना था अकाउंटिंग में, तो मुझे आगे अकाउंटिंग में, जब मैं अकाउंटिंग के सेक्शन में एंटर होता था तो उसके अंदर आगे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ठीक है, फाइनेंस, इस तरह मजीद मुझे तो याद पड़ता है कुछ सेक्शन इस तरह से। तो असल में कॉमर्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, बहरहाल मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो मुझे अकाउंटिंग की किताब तक पहुंचना होता था, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर उसमें एक अकाउंटिंग का सेक्शन है। अब अकाउंटिंग की आगे ब्रांचेस हैं, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस तरह। तो मैंने अकाउंटिंग की किताब अगर ढूंढनी है तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेक्शन में गया। वहां पर जाके आगे एक शेल्फ है, उस शेल्फ के अंदर डिफरेंट बुक्स पड़ी हुई है, तो फिर मुझे वहां से वो किताब ढूंढना होती थी। यानी असल में मेरा तो बात करने का मकसद ये है कि इसी तरह हमारे जो इनकम टैक्स लॉज हैं, इनका भी एक बड़ा सिस्टमेटिक वे है, एक बड़ा तरीकेकार है जिस तरीकेकार से ये चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो सारी बातें हैं, टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है, टैक्सेबल टोटल इनकम क्या होती है, पर्सन से क्या मुराद है, टैक्स रेट्स कहाँ गिवन होंगे, तो लोकेशन का पड़ा हमें पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको जिंदगी में खुद से ऑर्डिनेंस को पढ़ना पड़े, तो फिर कैसे पढ़ेंगे। इनकम टैक्स लॉज में जो बेसिक दो किताबें हैं हमारी, वो है, एक है हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और दूसरी हमारी इसमें किताब है उसका नाम है इनकम टैक्स रूल्स। तो इससे एक बात हमें फौरन नजर आ रही है कि पहले ऑर्डिनेंस आया 2001 में और उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स 2002 में गया। हमारे पास ये बेसिक चीज है। उसके बाद जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये टॉपिक के अकॉर्डिंगली, जो इसके टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक
ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। चैप्टर्स के साथ ऑर्डिनेंस के अंदर शेड्यूल्स भी हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑर्डिनेंस चैप्टर्स के साथ साथ इसमें दूसरा जो इसका हिस्सा है, जो इसका दूसरा पार्ट है, वो है शेड्यूल्स। जैसे इसमें फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल वो इस तरह से है, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह से इसके शेड्यूल्स भी हैं। तो हमें पहले इनको जरा अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीजें हमारे पास वो मौजूद है। अच्छा, अगर किसी चैप्टर में जो डिस्कशन है वो डिफरेंट हो रही है हमारी, यानी उसके अंदर उस डिस्कशन के आगे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उस चैप्टर को फिर डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। राइट, उसके फिर उसके आगे चैप्टर्स के पार्ट्स, अगर पार्ट्स में भी डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हो तो उस पार्ट्स की क्या बनाई जाती है आगे, डिविजन्स बनाई जाती है। उसके बाद डिविजन्स के बाद जो है वो उसके सेक्शंस स्टार्ट होते हैं। सेक्शंस के अगर मौजूद हो तो सब सेक्शंस, सब सेक्शन की क्लॉजेस इस तरह से, और क्लॉजेस की सब क्लॉजेस। जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूं तो फॉरेन स्टूडेंट्स के जहन में एक बात आती है कि सर क्या ये एग्जाम में आएगा? द आंसर इज नो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो फिर सर आप हमारा टाइम जाया कर रहे हैं ये पढ़ा के। नहीं, टाइम नहीं जाया कर रहा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं तो क्योंकि ये वर्ड्स आगे यूज होंगे ना, तो आपके जहन में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि यार ये क्या है, ये पार्ट्स, शेड्यूल, ये क्या है, कहीं ना कहीं तो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये बात ऐसे की जा रही है, ये सर ने बताई थी सिस्टम के अंदर। इसलिए सिस्टम को समझना और किताब को समझना बहुत जरूरी है जिसको हमने रीड करना। अगला सवाल कि क्या हर चैप्टर्स के पार्ट्स होते हैं? द आंसर इज नो। क्या हर पार्ट्स की डिवीजन होती है? द आंसर इज नो, पॉसिबल है। क्या हर डिवीजन, हाँ अगर डिवीजन है तो उसके सेक्शन जरूर होंगे, ये बात याद, लेकिन अगर कुछ चैप्टर है तो उसके सेक्शन जरूर होंगे, यानी सेक्शन लाजमी होंगे हर चैप्टर के अंदर। जो बेसिक आपका जो फ्रेमवर्क है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी सेक्शंस के बगैर नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है कि एक सेक्शन हो उसके सब सेक्शन ना हो उसके, और अगर कोई सब सेक्शन है तो उसकी क्लॉजेज ना हो, क्लॉजेज है तो उसकी सब क्लॉजेज ना हो, ठीक है, लेकिन चैप्टर और सेक्शंस का होना लाजमी है। ये आपको ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं चीजें मिलेंगी, ये लाजमी इसके अंदर आपको वो चीजें मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लेकर चलते हैं। अच्छा, एक नजर जरा पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा, जैसे हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है, एक मिनट चीज को, इसकी हाईलाइट जो कहा उसको, अच्छा जी ये देखें, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये चैप्टर नंबर वन आपको आपके सामने मौजूद है। अब चैप्टर है तो, लेकिन इस चैप्टर के प्रीलिमिनरी के सिर्फ तीन सेक्शन है, दैट्स इट, इसके अलावा इसमें और चीज शामिल नहीं है, ये ठीक है ना।
अच्छा जी, अच्छा आप देखिएगा, जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, और इस चैप्टर में आगे क्या चीज शामिल है हमारे पास, मैं जी माजर के साथ इसको मैं इसका ड्राइंग टूल खोल बैठा हूँ, अल्लाह खैर करे कि ये मेरे से हल हो जाए, पहली बार प्रेस कर लो। अच्छा जी, तो अब ये देखिएगा, जैसे चैप्टर नंबर चैप्टर 2 है हमारे पास, चार्ज ऑफ टैक्स, इसकी कोई डिवीजन आपको नजर नहीं आ रही, इसके बस सेक्शन चलते जा रहे हैं। चैप्टर 3 में जब हम जब पहुंचते हैं टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, तो उसका पार्ट 1 है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये आपको सेक्शन नजर आ रहा है, ये आपको सेक्शन है, सेक्शन कंटिन्यू है, सेक्शन को चैप्टर चेंज होगा तो नए सिरे से सेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, सेक्शन चलते रहेंगे अपनी, उनके दरमियान में डिवीजन चलती रहेगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये बात जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टोटल इनकम क्या होती है, ये इसमें लिखा हुआ है, टोटल इनकम मीन सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है जी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम, प्लस कैपिटल गेन, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये यहाँ लिखा हुआ। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस पार्ट की कोई डिवीजन नहीं है, आगे चलते हैं, पार्ट 2 आ गया। अब उसने क्या किया कि एक पार्ट में बताया टोटल इनकम क्या है, अगले पार्ट में बता रहा है कि उसका हेड ऑफ इनकम क्या है, वो है सैलरी, आगे चलते हैं, आगे आ गया पार्ट 3 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओके। अब जरा देखिएगा पार्ट 4 में जब गए हम, तो उसमें आ गया बिजनेस इनकम, हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, और बिजनेस इनकम के अंदर, अब चूंकि बिजनेस के अंदर आगे डिविजन्स होनी है, इसलिए उसने उसकी क्या कर दिया, पार्ट को डिवाइड कर दिया डिवीजन 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस, आगे चले डिवीजन 2 रिडक्शन यानी एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस के दो हिस्से उसने बना दिए कि रेवेन्यू और उसके बाद उसने एक्सपेंसेस, यही होता है ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया डिवीजन 3, ये देखें आगे डिवीजन इसकी चल रही है सारी अकाउंटिंग, फिर आगे देखिएगा पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आ गया, एंड सो ऑन, मकसद कहने का है कि हमें इसका पता होना चाहिए। इसके बाद चलते चलते जब हम पहुंचते हैं तो चैप्टर्स और एंड सो ऑन, इसके बाद में मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो है, ये देखें ये रिटर्न ऑफ इनकम का आपको नजर आ रहा है कि रिटर्न के प्रोसीजर्स क्या होंगे, ठीक है, ये देखें ये प्रोसीजर्स हमारे आ गए, रिटर्न कैसे फाइल होगी, असेसमेंट ये आपको नजर आ रहा है, असेसमेंट, ठीक है, अपील्स ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा ये जो लाइन लिखी होती है ना ओमिटेड, ये ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट, तो ये कल हमने बात की थी कि फाइनेंस एक्ट 2010 में इस चीज को ओमिट कर दिया गया, यानी ये जो सेक्शन था 184 इसको फाइनेंस एक्ट 2010 में यानी जून 2010 में इसको खत्म कर दिया गया, उसकी कोई रीजन होगी, नीचे लिखा होता है उसका, तो ये आगे चल रहा होता है, ये जो रेड कलर होता है इट मीन ये नई अमेंडमेंट है, ये जो आपको नजर आ रहा होता है ना रेड डिफरेंट कलर सॉफ्टवेयर में, आपको वैसे नजर नहीं आएगा। ये देखिए ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारे पास शेड्यूल आ गया है, शेड्यूल में क्या लिखा हुआ रेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब ये हुआ जो पार्ट जो शेड्यूल है उसमें रेट ऑफ टैक्स जो है, अगर आपको कोई टैक्स रेट देखना तो कहाँ जाना पड़ेगा, शेड्यूल के अंदर, ये देखिएगा रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, ये देखिएगा
उसके भी आगे उसकी डिविजन है, उसने उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये चलता जा रहा है, ये आपका मिनिमम टैक्स वगैरह, राइट। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जरा किसी सेक्शन के अंदर, ताकि आपको वो पता चले कि ये सेक्शंस और सब सेक्शंस क्या होते हैं। ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है सेक्शन 73, ये लिखा हुआ है वन, जिसका ये सेक्शन वन, सब सेक्शन वन है और ये सब सेक्शन टू है, राइट। ये क्या है इसका सेक्शन। अब इस सेक्शन के ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं सब सेक्शन, ये भी सब सेक्शन है। ये जो आपको नजर आ रही है ना ये वाली चीजें, ये क्लॉजेज हैं, ठीक है, ये क्लॉज है, क्लॉज वन क्लॉज टू, राइट। अच्छा अब देखिएगा, अगर हमने इसको रेफर करना हो इस बात को, इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 73(1)(b), इसको ऐसे लिखा जाएगा। और इसको जब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सब क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ 73, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, ये इसका तरीकेकार होगा। इसी तरह अगर इसको रेफर करना होगा तो इसको लिखेंगे इस तरह, इसको ऐसे लिखेंगे 73(2)(a), ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये इसको तो पढ़ेंगे कैसे, क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन 73 लिखा जाए, इसमें मैं सेक्शन टू भी आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि सेक्शन टू जो है वो क्या चीज है। ये देखें, ये लिखा हुआ डेफिनेशंस। तो लॉ जो है वो अपने आप को पहले डिफाइन करता है। अच्छा अच्छी बात ये है कि आपको लॉ के अंदर अक्सर जगहों पर, अक्सर लॉज के अंदर जो है आपको जो सेक्शन टू होगा वो डेफिनेशंस का होगा, सबसे पहले वो डिफाइन करता है जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो उससे क्या मुराद होगी, ठीक है। जैसे देखें एक्टिव टैक्स पेयर उसने बता दिया, ये जो किसी के साथ ए बी लगा होता है ना सेक्शन के साथ या सब सेक्शन के साथ, तो इससे मुराद होती है कि ये ओरिजिनली इसका हिस्सा नहीं था, जैसे ये वन बी है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ना वन, वन से पता चलता जब ये ऑर्डिनेंस बना था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो ये उस वक्त भी ये मौजूद था। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ना वन ए, और इसके साथ ये जो आपको तीन नजर आ रहा है, ये जो आपको थ्री नजर आ रहा है, इसकी नोटिफिकेशन नीचे गिवन है कि ये क्या हुआ, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है क्लॉज वन ए इंसर्टेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019। ये मैंने आपको कहा ना कि ये चीज 2001 में नहीं थी, उसके बाद कहीं इसकी अमेंडमेंट आई। इसी तरह अगर वन नोट, फुट नोट वन को देखेंगे तो बताया गया ये फाइनेंस एक्ट 2001 के अंदर कहीं इसकी, इसको किया गया, ठीक हो की बात। ये चीजें इसमें चलती है। एक मैं आपको बोर्ड की डेफिनेशन दिखाता हूं कि वो क्या कह रहा है, ये देखिएगा, ये कहता है बोर्ड यानी इस पूरे ऑर्डिनेंस में जहां पर भी BOARD बोर्ड लिखा होगा तो उससे क्या मुराद है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एंड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। यानी अब तो FBR ही है, तो यानी
अब लिखेंगे हम सिर्फ बोर्ड, यानी आपको याद प्रोनाउंस पढ़ते थे आप, तो हम कहते थे यार मैं बाबिर से मिला, बाबर से मिला। अब क्या बार बार आप यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मैं बाबर से मिला, बाबर वहां गया, बाबर ने खाया, बाबर ने मुझे ये कहा। अब आप कहते वो, मैं या उसने मुझे ये कहा, वो वहां गया, उसने मुझे ये कहा, उस करते हैं। तो यानी उस बंदे को पता होता है कि यार ये जो वो कहा जा रहा है ना, उस कहा जा रहा है, ये इशारा बाबर की तरफ है। तो डेफिनेशंस को बताने का मकसद भी ये होता है कि ये जो बोर्ड है ना, इससे मुराद क्या है, ये वहां जाके देख लो, मैं पहले बता चुका हूं, हम उससे नहीं हट सकते, ये बात ध्यान में रखना, राइट। तो ये सारी चीजें उसने बता दी। अब जैसे कैपिटल एसेट है, आप डिक्शनरी में कैपिटल एसेट को देखेंगे ना, तो शायद आपको इसमें मशीनरी मिले डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, और चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ के लिखा हुआ है, कहता जी एज डिफाइंड इन सेक्शन 37। तो हमने इसके पास आए, इसने कहा उसके पास जाओ, यानी अब हमें सेक्शन 37 को देखना पड़ेगा। एनी हो, ये बात बताने का मकसद था कि ये ऑर्डिनेंस हमारा क्या है। अब अगला सवाल फौरन आपके जहन में आएगा कि सर क्या ये मुझे ऑर्डिनेंस से पढ़ना है? द आंसर इज नो, हमने ऑर्डिनेंस से नहीं पढ़ना, हमने अपनी किताब को फॉलो करना जो मैंने आपको कही हुई है, उसके अंदर तमाम चीजों को, क्योंकि ऑर्डिनेंस को पढ़ना मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो उसके लिए एक जो किताब खालिद साहब की मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसके अंदर इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके लिखा हूँ। अच्छा जी, तो फर्स्ट दोबारा आते हैं जी, फर्स्ट शेड्यूल की चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है, टैक्स रेट्स के ऊपर बात कर रहा है। इसी तरह जो सेकंड शेड्यूल है, ये एग्जेम्प्ट इनकम की, एग्जेम्पशंस की बात करता है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की, एंड सो ऑन, इस तरह ये सारे शेड्यूल हैं। बहरहाल एक मैंने ओवरव्यू दे दी, तो इसे हमें पता चला कि लॉ जो है वो तो सारे का सारा यहाँ मौजूद है, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन या एडिशनल चीजें हमें मिलेंगी। यानी आपसे ये पूछा जाए कि यार ये बताओ फलां शख्स को सैलरी देनी है तो कितना टैक्स काटना है उसका, तो आप यार फर्स्ट शेड्यूल में देखो। अगर आपसे ये कहा जाए कि यार मैंने गाड़ी परचेज करनी है तो मैं कितना टैक्स दूंगा, वो कहेंगे यार फर्स्ट शेड्यूल में देखो, वहां लिखा हुआ है कि गाड़ी अगर 500 सीसी की होगी, 1000 सीसी की होगी, 2000 सीसी, तो उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, वो वहां लिखा हुआ है, वो प्लीज आप वहां जाके, टोकन का लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का वहां लिखा हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर कोई साहब कहें यार ये मुझे बताओ कि मेरी इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, तो आप उसे कहेंगे यार सेकंड शेड्यूल में देखो कहीं लिखा हुआ है उसके मुतालिक, तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर वहां बात ये कुछ चीजें लॉ में भी मौजूद है, आप डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं किसी एसेट के ऊपर, क्या रेट होगा, तो आपको थर्ड शेड्यूल में उसका रेट मिलेगा, ये चीजें। अब अगली बात ये है कि ये रूल्स क्या है, क्या ये भी कानून है? ये है कानून ही, लेकिन ये जो सॉरी लेकिन ये जो रूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पड़ी हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, जैसे कुरान करीम है, कुरान में सलात का लफ्ज आपको बारहा मिलेगा, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, लेकिन कुरान में मुझे नहीं नजर आता कि कहीं बताया गया हो कि सुबह की इतनी रखते होंगी, दोपहर की इस तरह सारी चीजें, वजू कैसे करना है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना। लेकिन आप जब हदीस को देखेंगे ना, जो तो हमें वहां से ये बात पता चलती है के नमाज को, सलात को पढ़ने का तरीकेकार क्या है, वजू करने का तरीकेकार क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे बाज बात ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, जब एक बात निकली है तो मैं आपसे बात करने लगा हूं,
कि अगर नमाज को एक स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ना होता तो शायद अल्लाह ताला कुरान में ही सारा उसका तरीकेकार बता दे। जितनी दफा नमाज का कहा गया है मेरा ख्याल है वही बता देते। तो हदीस में बताने का जो मुझे एक मकसद नजर आ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो इसका मतलब ये है कि हम नमाज जो है वो डिफरेंट तरीकों से पढ़ सकते हैं डिफरेंट हालात के अंदर। इसी तरह तो ये मेरा ख्याल है कि सो कॉल्ड उलमा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं जिसको आलिम समझता हूँ वो कभी फिरका परस्तियाँ नहीं फैलाता। तो जो फिरका परस्ती फैलाता है मैं उसको आलिम नहीं समझता, पर मेरी अपनी एक अप्रोच है। किसी भी आलिम को ये हक नहीं है कि वो इंतशार फैलाए। सीधे प्रॉब्लम हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, लोग झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, बहनों का हक मारते हैं, शादी ब्याह में इतनी ज्यादा हरामदगी हम करते हैं, कोई सुन्नत का हमें पता ही नहीं है। एक साहब जो है वो अपनी बेटी भी देते हैं और साथ जनाब उससे उसको लूटा भी जाता है, उससे पैसे भी खाए जाते हैं, उसको जलील किया जाता है। मतलब बाकी मामला कोई कम है जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है। तो इन हालात के ऊपर बात करना, हाथ कहाँ बांधने हैं, ये करना है, तो ये इस्लाम से लोगों को दूर करने की जो है ना ये बात है। बरहाल चलो, तो इनकम टैक्स अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन करता है रूल्स को। अब मैं उसकी टैक्स के एग्जांपल आपको देने लगा। मिसाल के तौर के ऊपर लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट होगा पाकिस्तान का, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड जो इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर पाकिस्तान में वो टैक्स देगा। ये लिखा हुआ, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये रेजिडेंट है? अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस के अंदर, लेकिन हमें ये बताया नहीं गया कि रेजिडेंट कौन होगा। इसका एक तरीका था, या तो रेजिडेंट को सेक्शन 2 में जाके डेफिनेशन में बता दिया जाता कि भी रेजिडेंट ये होगा तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन लॉ ने इसको वहां भी डिफाइन नहीं किया कि कैसे पता चलेगा। तो लिहाजा इसके लिए रूल्स बता दिए गए। रूल्स में जाके हमें पता चलता है कि जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, उसके दिन कैसे गिने जाएंगे, यानी उसके दिनों का जो मामला है वो यहाँ हमें बता दिया गया कि जनाब उसके जो डेज है उसके हिसाब से पता चलेगा कि उसने कितने दिन पाकिस्तान में गुजारे, कैसे किया, ये सारा चीज हमें यहाँ जाके पता चलेगा। इसी तरह हम जब ऑर्डिनेंस को पढ़ते हैं तो हमें सैलरी की बात बता दी गई कि सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल होगी, और उसमें कहा गया जी सैलरी में बेसिक सैलरी शामिल होगी, अलाउंसेस शामिल होंगे उसके अंदर जो है, वो कैपिटल बेनिफिट्स उसमें आएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात ये थी कि भाई ये बताओ कि इन बेनिफिट्स को क्या सबको ऐड कर दें, वो बेशक बिजनेस के लिए है, मेरे पर्सनल है, मुझे कुछ बेनिफिट्स मुझे ड्यूरिंग द जॉब मिलते हैं, कुछ मेरी जॉब से बाहर मुझे जाके मिलते हैं, कुछ जो है वो मेरे पेरेंट्स को मिल रहे हैं, कुछ मेरे बहन भाइयों को मिल रहे हैं, कुछ मेरे बच्चों को मिल रहे हैं, तो क्या करूं? तो लॉ ने वहां को इसको खास एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया कि इसका जो कंप्यूटेशन का तरीकेकार था वो रूल्स में बता दिया। समझ आ रही है? और सैलरी में जो चीजें एग्जिस्ट थी उसने जाके उसको सेकेंड शेड्यूल में लिख दिया। तो इस तरह से इन दोनों लॉस का हमें पता चलता है कि ये क्या क्या है। लेकिन हमारी जो किताब है उस किताब के अंदर वो तमाम चीजों को एक ही जगह आसान अल्फाज के अंदर बयान कर दिया गया, यानी आपके लिए ये नहीं है कि पहले सेक्शन देखेंगे, फिर उसका सब सेक्शन देखेंगे, फिर शेड्यूल देखेंगे, फिर उसके विदहोल्डिंग टैक्स, ये ऐसे घूमना नहीं है, एक ही जगह आपको मटेरियल मिल जाए। प्लस इसके अंदर जो जितने पास पेपर हैं वो जो हमारा लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किए जाएंगे। ये बात इसमें हमने समझ आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो कब की जाती है? हमारे इनकम टैक्स लॉज जो है इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो कैसे की जाती है? देखें, एक तो तरीकेकार मैंने आपको बताया कि हर महीने साल के एंड के ऊपर जो जून है उस जून के अंदर एक फाइनेंस बिल आता है।
उसमें प्रपोजल्स होती हैं कि इसमें यहाँ ये चेंजेस करनी है। अभी मैंने आपको दिखाई, लिखा हुआ था ओमिटेड थ्रू फाइनेंस एक्ट, दिस किसी चीज को डिलीट करना है, किसी को ऐड करना है, किसी को चेंज करना है, आपको फाइनेंस बिल पेश करना पड़ेगा। ये फाइनेंस बिल जब अप्रूव हो जाएगा तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। अगला सवाल ये था कि साल में ये तो एक मेजर चीज आ गई, अब अगले साल में अगर कोई चीज चेंज करनी है तो क्या हम खामोश बैठे रहे, क्या बाद में चेंज नहीं कर सकते? द आंसर इज नो, बाद में भी चेंज यानी ड्यूरिंग द ईयर भी चेंज किया जा सकता है, जिसको हम SRO नोटिफिकेशन कहते हैं। कहते जी नया नोटिफिकेशन आ गया, और SRO भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स SRO आ गया। ये लफ्ज आपको मिलेंगे किताब को पढ़ते हुए, नोटिफिकेशन SRO, ये किताबों में आपको अल्फाज ये मिलेंगे, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, बला बला। इसलिए इन टर्म्स का पता होना वो लाजमी है कि हमें ये टर्म्स का पता होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आएंगे उसके थ्रू अमेंडमेंट कर दी जाएगी, और अक्सर औकात जो आपके SRO आते हैं साल के दौरान, वो जून में जाके उसकी अप्रूवल ले ली जाती है, ये अप्रूव भी होते हैं, लेकिन दोबारा जाके इसको ऑर्डिनेंस का फिर हिस्सा बना दिया जाता है। कुछ SRO नहीं भी बनते, वो एज इट इज इंडिपेंडेंट चलते रहते हैं, लेकिन उसकी इनेक्टमेंट रहती है जब तक उसको डिलीट ना कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज होता है सर्कुलर। ये सर्कुलर होता है जब एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करके उसको कोई तरीके कार बताता है ना काम करने का, उसको सर्कुलर कहते हैं। बेसिकली सर्कुलर जो है ये एक तरह का निजाम को चलाने का तरीकाकार है, कम्युनिकेशन का एक वे। इसमें नॉर्मली कोई नया इसमें लॉ नहीं मौजूद होता, क्लैरिफिकेशंस आप कह रहे इसमें मौजूद होती है, बाज बार क्लैरिफिकेशंस या एक्सप्लेनेशंस इसमें मौजूद होती है, ये चीज इसके अंदर वो मौजूद है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स में एक इशू आ गया कि भाई हमने टैक्स क्रेडिट जो है, हमारे पास चार टैक्स क्रेडिट्स हैं, एक है X, Y, Z, M। लॉ में ये नहीं बताया गया कि किसको ऊपर करें किसको बाद में करें, कुछ कंफ्यूजन है, तो उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया और बताया कि जनाब आप एक्स को पहले माइनस करेंगे, फिर वाई को माइनस करेंगे, और जी और एम को दोनों को इकट्ठा करके भी माइनस किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। इसी तरह FPR ने अगर कस्टम डिपार्टमेंट को ये बात कहनी है कि कोई शख्स कोई भी शिप पाकिस्तान में आके ना जा सके जब तक वो पाकिस्तान में टैक्स ना दे दे, तो क्या करेगा FPR, इसको एक सर्कुलर इशू करेगा कि जनाब आइंदा से कस्टम डिपार्टमेंट को कलेक्टर को कहेगा कि जनाब आइंदा पाकिस्तान में आए, ठीक है, टिप के थ्रू आए, एयर आए, तो आपने उसकी दोबारा कन्वेंस को, कन्वेंस कहते हैं जहाज को, दोनों किस्म के, बाय एयर को भी उसको कन्वेंस कहते हैं और इसको भी कन्वेंस ही कहते हैं शिप को भी, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है जब तक कि वो टैक्स ना जमा करवाते, तो ये सर्कुलर होगा। अब ये कोई नया रूल नहीं है, यानी उनमें बात लिखी है कि जो भी शिप ओनर पाकिस्तान में आएगा वो खुद या उसका कोई एजेंट अपना टैक्स लाइबिलिटी दे के फिर वापस जाएगा, उसके लिए साल का इंतजार नहीं किया जाएगा, तो उसकी एनेक्टमेंट को करवाने के लिए सर्कुलर इशू कर दिया गया। हालांकि वो कानून में बात नहीं लिखी हुई कि उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसकी एनफोर्समेंट को सर्कुलर में लिख दिया गया। तो इस तरह से ये एक अल्फाज है, इन अल्फाज का सिर्फ पता होना आपको चाहिए, यानी कि रूल जो है ये एक्सप्लेनेशन है, राइट, बाकी जो असल चीज है वो सेक्शन में पड़ी हुई है, शेड्यूल जो है वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, रेट्स कहाँ है फर्स्ट शेड्यूल में, एग्जेम्पशन का सेकंड शेड्यूल में, डिप्रिसिएशन का थर्ड शेड्यूल के अंदर, उसको पढ़ने का तरीकेकार क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने, आज जो बेसिक मेरा इशू था वो ये था कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करूँ कि ये कंस्ट्रक्शन क्या है। जी, इसके ऊपर कोई आपका इशू हो तो मेरे से आप पहले पूछ सकते हैं।
जी ये बेटा टैक्स, इन्होंने सवाल ये किया है तलहा ने कि टैक्स ईयर जो है ये क्या होता है और उसको कैसे, इसका बेटा वो मैं बता दूंगा आपको। ये जब हम उसमें जाएंगे तो वहां जाकर हम चैप्टर वन के अंदर ये सारी बातें वो करेंगे, ठीक है। हाँ कि मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आपने क्या पूछा है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर बनाएंगे तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे की जाती है, एक ऑर्डिनेंस दूसरे ऑर्डिनेंस की कैसे बात करता है। अब जरा सुनना आपने, क्योंकि हमारी दोनों चीजें हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 और सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स ने सेक्शन 2 में डिफाइन किया कि मैं जहां पर भी इनकम टैक्स की बात करूंगा मैं सिर्फ लिखूंगा टैक्स। सेल्स टैक्स ने डिफाइन किया, उसने कहा जहां भी मैं सेल्स टैक्स की बात करूंगा मैं लिखूंगा टैक्स। अब इनकम टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स की कुछ चीजों को बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स, क्योंकि आपस में बात जगहों पर ये कनेक्टेड है। अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेल्स टैक्स का वर्ड यूज करना होगा तो सिर्फ टैक्स नहीं लिखा जाएगा, वहां लिखा जाएगा इन अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स, अब पूरा लफ्ज लिखा जाएगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का पूरा लफ्ज लिखा जाएगा ताकि यूजर को पता चले कि ये, अगर खाली टैक्स लिख दिया गया तो उससे मुराद क्या है, उससे मुराद यही ली जाएगी कि ये इनकम टैक्स की बात हो रही है जबकि हम तो सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा लफ्ज लिखना पड़ेगा। इसी तरह जब सेल्स टैक्स में बात की जाएगी तो टैक्स टैक्स ही लिखा जाएगा, यानी उसमें टैक्स से मुराद होगी टैक्स। लेकिन अगर सेल्स टैक्स में कहीं रेफरेंस देना होगा इनकम टैक्स का तो यहां पूरा लफ्ज लिखा जाएगा इनकम टैक्स। दूसरी बात, अगर आपके पास एक सेक्शन है, लेट्स सपोज ये सेक्शन 2 है, इसका एक सब सेक्शन है 1, एक सेक्शन है 2, 3, इसके ये सब सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे। सब सेक्शन 2 के अंदर, सब सेक्शन 2 में बात हो रही है सब सेक्शन 4 की, तो जिस लिखा जाएगा सब सेक्शन 4, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसका सब सेक्शन है, तो ये बात ऑब्वियस होगी कि इसकी बात की जा रही है। लेकिन अगर मिसाल के तौर के ऊपर सब सेक्शन 3 के अंदर एक बात की जा रही है 73 सेक्शन के सब सेक्शन 1 की, तो फिर यहां एक पूरी डिटेल दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 73। यानी अगर इसमें लिख दिया गया सिर्फ 1 और ये ना लिखा गया तो इससे मुराद होगी ये वाला, लेकिन इसके अंदर जब ये लिखा जाएगा सब सेक्शन 73 तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी नहीं बात हो रही, वो जो सेक्शन 73 है उसके सब सेक्शन 1 की बात की जा रही है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, 4 के अंदर जो बात की जा रही है वो अपने नहीं बल्कि सेल्स टैक्स की बात की जा रही है, फिर यहां पर रेफरेंस देते हुए लिखा जाएगा जो भी रेफरेंस आपको देना है कि अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस से ही आप बाहर चले गए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा सेल्स टैक्स एक्ट 1990, पूरा फिर वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब उससे ही बाहर चले गए। अब आप कहेंगे कि सर आपने जब कह दिया कि जी हमने किताब पढ़नी ही नहीं है तो सर आप हमें ये क्यों करवा रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप इतना कष्ट ना करें, आपकी आप हमें बस रहने दें, आप अगर हम सिलेबस को स्टार्ट करें। बेटा बात ये है कि इसके बाद आपने अब अभी आपने कैफ
सिक्स करने के बाद आपने आर्टिकल्स में जाना है। बेशक ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको चीजों का याद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए जो भी है, लेकिन एक टीचर होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि जब आप आर्टिकल्स में जाएं, तो आप जो पढ़ के गए हैं उसको ऑर्डिनेंस से आपको समझने का तरीकेकार पता होना चाहिए। क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो ये चीज जो है वो आपको बताने का आज मेरा मकसद था कि आपको ये पता हो इस चीज के ऊपर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।